पितृ तर्पण एवं श्राद्ध पर विशेष। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पितरों, श्राद्ध आरंभ हो चुके हैं। आश्विन मास के पितृपक्ष आरंभ हो चुका है, पूर्णिमा से ये आरंभ होता है और पूर्णिमा से माल्य श्राद्ध होता है और इससे उसके अलावा 15 दिन यानी अमावस्या तक कुल मिला के 16 श्राद्ध ये होते हैं पितृपक्ष के। इन दिनों में पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, गौ माता को जिमाया जाता है और कुत्ते की कौवे की रोटी डाली जाती है। इस प्रकार से पितरों की जो एक वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है और मनु स्मृति के अनुसार मनु महाराज का कथन है कि एक मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है, ये पितरों के एक मास। कुछ लोग ये बोलते हैं जो खुद को वेद ज्ञानी बोलते हैं कि जीवित का श्राद्ध किया जाता है, तो मैं उनको ये बात चुनौती देता हूं कि शास्त्रों में, वेदों से, मनुस्मृति में, महाभारत में या रामायण में, महाभारत में, 18 पुराणों में, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में, कहीं पर भी ऐसा दिखा दीजिए कि जीवित व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध शब्द का जो रिलेशन है वो होता ही पितरों के निमित्त है। जिनको नहीं पता वो जान ले इस बात को, जीवितों का श्राद्ध नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में ऐसा कहीं विधान नहीं है। मनगढ़ंत मनमाफी के जो कुतर्क जो गढ़े जा रहे हैं, कुछ लोग आज देख रहा हूं कि वो श्राद्धों का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे पिताजी तो शराब पिया करते थे, मांस खाया करते थे, इसी से उनकी तृप्ति बनी रहती है। तो वह सोचो पंडितों की क्या वो हालत होगी। तो मैं एक बात बता दूं, 2 वर्ष पूर्व मैंने वीडियो डाली थी इसी श्राद्ध पक्ष पर, अथर्ववेद से प्रमाण दिया था पितृमेदन सूक्त। दूसरा, मैंने महाभारत से अनुशासन पर उसे भी प्रमाण दिया था। दोबारा बता रहा हूं, 88वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तिल ब्रीही उड़द जल फल फूल और खीर के द्वारा श्राद्ध को क्षमा चाहता हूं, यानी उड़द की दाल फल फूल दही और दूध चावल मिश्रित दूध, इनके द्वारा पितरों की संतुष्टि होती है। ठीक है, पितृ योनि जो है एक देवता योनि में है, मां देवता कभी मांस भोजी नहीं होते, ध्यान रखें। तो आपकी बात खंडित ही हो जाती है, मजाक उड़ाने की सो बात है। मजाक उड़ाकर श्राद्ध परंपरा का मजाक उड़ा करके अपने बुरे दिनों को निमंत्रण न दे। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप अपना तो परलोक बिगाड़ेंगे ही, परंतु आपको पितरों के भी प्रकोप को झेलना पड़ेगा। तो जो भी बंधुवर श्राद्ध नहीं मनाते वो उनकी समस्या है, न मनाए, उनकी निजी जिंदगी है। परंतु जो शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति है, कोई भी सनातन धर्मी, वो निष्ठा से इन पितृपक्ष में श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन कराता है। और मित्रों, सामर्थ्य के अनुसार ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि किसी का भोजन कराने ब्राह्मण जिमाने का अगर व्योत नहीं है, व्योत का मतलब सामर्थ्य नहीं है, तो वो केवल घास उखाड़ करके गौ माता को खिला सकता है, उस और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अश्रुपूरित नेत्रों से पितरों से याचना करे, प्रार्थना करे, हे पितृ देवताओं, मेरे पास में केवल यही खिलाने को है, अभी मैं यही खिला सकता हूं, मेरा सामर्थ्य यही है, कृपया ग्रहण करें। तो पितृगण इससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि यह भी ना मिले तो केवल जल सूर्य को देने मात्र से भी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। अपराह्न काल में
श्राद्ध के दिन दोपहर में यानी 12 बजे के लगभग दक्षिण दिशा की तरफ दिया जलाएं और उस तरफ पितरों का आह्वान करके प्रार्थना करें, भावना से भी तुष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो ऐसा जबर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कई शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि आप पर कंपल्शन है कि आपको ब्राह्मणों को जिमाना ही जिमाना है। अगर शास्त्र ये देखा जाए अर्थ अनुसार तो स्वर्ण दान की भी का विधान है, पितृपक्ष में गोदान का भी विधान है, परंतु जबरदस्ती कहीं पर भी नहीं लिखी है। और महाभारत में 88वां अध्याय पढ़ लेना चाहिए, श्राद्ध में बताया गया तिल की मात्रा अधिक होती है, उससे पितृ संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पंक्ति दूषक ब्राह्मणों को श्राद्ध में नहीं जिमाना चाहिए, ठीक है। इसका प्रमाण हमने पिछले वीडियो में दे दिया था 2 वर्ष पूर्व, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, इन दिनों श्राद्ध में क्या करें क्या ना करें यह भी हमने पहले बताया था, पुनः एक बार बता देते हैं। इन 16 दिनों में जहां तक हो सके संयम से रहें, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें और नखून न काटें, दाढ़ी न बनाएं अपने, परंतु जो है जिस दिन हो सके पितरों का जो श्राद्ध जिस तिथि को है कम से कम उस दिन तो बिल्कुल न करें। तो मित्रों, अब आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिनको पसंद आई है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।